वेलकम बैक टू सूरज कंप्यूटर्स। आज हमारे पास HP का प्रिंटर आया हुआ है जो है 4729 प्रिंटर है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या क्या काम करते हैं। पहले इसे देखते हैं खोल के। यहाँ पे हो गया जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको ऊपर कर देना है और यहाँ पे इसकी केबल लगी है। एक है ये वाली है जो पैनल केबल है जो पूरा पैनल कंट्रोल करती है। ये है इसकी पैनल केबल और ये है इसकी स्कैनर केबल जो स्कैन करता है, फोटोकॉपी करता है। ये इसकी केबल है और ये नॉर्मली आपका बाहर आ। तो हमारा ये कार्ट्रिज लगी हुई है, इसमें कार्ट्रिज लगती है 46 नंबर ब्लैक वाली जैसे कि आप देख रहे हैं HP की, और ये 46 कलर वाली। और ये जो होता है ये पूरा कैरिज होता है, कैरिज में एक कार्ट्रिज लगती है। ये यहाँ से इतना बड़ा ये कैरिज है और ये इसका जो कार्ड है ये वाईफाई है, वाईफाई प्रिंटर है। इसका ये वाईफाई कार्ड लगा हुआ है और ये पूरा लॉजिक कार्ड लगा रखा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं सेंसर है, ये सेंस करता है पेपर को। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये है इसका पिकअप। बैक साइड में देखेंगे जहाँ पे आप पेज लगाते हैं तो ये पिकअप है, तो ये पेपर को अंदर लेता है, पेपर को ही अंदर लेता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस साइड हमारा मैकेनिकल सेट है, पूरा मैकेनिकल यहीं पे रहता है, वहाँ पे एक भी मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होगा, सारा पार्ट्स इधर होता है। मैकेनिकल का गियर पार्ट सारे इधर होते हैं। ये हमारी कैरिज केबल है जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये कैरिज मोटर है जी, ये कैरिज मोटर है और ये इनकोटर है जैसे कि आप देख रहे हैं। ये कैरिज मोटर है जो ये कैरिज को मूव करवाती है, ये इधर उधर होती है, ये कैरिज मूव करती है तभी आपका प्रिंट होता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पे लगा हुआ है सेंसर, ये पेपर को सेंस करता है। ये देख रहे हैं ये पेपर को सेंस करता है तभी उसके बाद पेपर ये यहाँ पे लॉजिक कार्ड में जाता है, सेंस करके एरर हट जाता है। ये इनकोटर स्टिक है जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इनकोटर स्टिक है। यदि ये कट जाए, चूहे काट दे, ख़राब हो जाए तो E4 का एरर आता है और हमारी कैरिज जो है बहुत तेज से झटके मारना स्टार्ट करती है। ऐसे ये सेंस नहीं कर पाता है तो इसीलिए झटके मारता है ऐसे ऐसे। इसे आपको पूरा बता चुके हैं इसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो चलिए हम इसे पैक करते हैं। देख लीजिए है ये कैसे पैक होता है। ये जो है ये हमारी स्कैनर केबल, स्कैनर केबल लग चुकी है और ये हमारी पैनल केबल है, ये हमारी पैनल केबल लग चुकी है। ये नॉर्मली डाउन कर देना है आपको, जैसे कि आप देखेंगे ये मॉडल है 4729। खाली यही जो प्रिंटर है जो टैंक नहीं होता है, बाकी 319, 419, 58, 20, 58, 10 इन सब में टैंक मिलेगा आपको, लेकिन ये वाले प्रिंटर में HP में आपको टैंक नहीं मिलेगा 4729 प्रिंटर में। चलो रेडी कर